स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज का शो कंप्यूटर वेडनेसडे में मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके का ट्राई कर रहा हूँ, और आज मैं आप लोगों को मेरा घर का नेटवर्क सेटअप दिखाऊंगा। ये आप लोगों में से काफ़ी लोग रिपीट कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। तो टूर का स्टार्ट करते हैं। ये है टीवी जिसमें मैं अपना प्रेजेंटेशन देता हूँ, और आप लोगों को अच्छे से बताइए ये टीवी क्या है। तो ये समझिए एक स्मार्ट टीवी है। तो स्मार्ट टीवी को जनरली उसमें नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स मिल जाता है आपको, तो ये सबके लिए इंटरनेट चाहिए। जनरली स्मार्ट टीवी में वाईफाई होता है, लेकिन वो उतना रिलायबल नहीं होता है, और आप नहीं चाहोगे कि नेटफ्लिक्स पर पैसा खर्च करके आप वीडियो देखने बैठे और वो बीच में स्टक कर जाए। तो ईथरनेट से इसको कनेक्ट किए हैं। फिर ये है मेरा मेन कंप्यूटर, और ये मेन कंप्यूटर मेरा कनेक्ट हुआ है राउटर से। ये है जियो फाइबर का मेन राउटर मेरा, थोड़ा दूसरा मतलब वैरायटी का है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 4 ईथरनेट पोर्ट है और 2 यूएसबी 2.0 पोर्ट दिया है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि मैं आराम से एक टीवी से, एक कंप्यूटर से और एक दूसरा पूरी तरह से वाईफाई राउटर को कनेक्ट कर चुका हूँ। इससे फ़ायदा तो इसका रेंज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेडियो है इसमें, लेकिन सिर्फ मतलब एक फ्लोर को कवर कर सकता है। सेकंड फ्लोर में जाते जाते इसका सिग्नल ख़त्म हो जाता है। फर्स्ट फ्लोर में अच्छे से काम होता है, लेकिन सेकेंड में भरोसेमंद नहीं रहता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केबल ऊपर की तरफ जा रहा है। ये काफ़ी हड़बड़ी में किया गया था, इसलिए केबल ऐसे बाहर रखा हुआ, नहीं तो आप लोग चाहें तो टाइम लेके अच्छे से इसे अरेंज कर सकते हैं अपने घर में। तो ये सही है, ये ईथरनेट केबल आराम से सेकंड फ्लोर में आता है, और इसके साथ फ़ोन लाइन भी कनेक्शन दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये यहाँ का मेरा इंटरटेनमेंट सिस्टम है। ये फैमिली टीवी है, और इसमें भी स्मार्ट टीवी चाहिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स जियो वाले में नहीं है। तो ये जियो बॉक्स में तो नेटफ्लिक्स है नहीं, और ये बहुत टिकाऊ चीज़ है भी नहीं, लेकिन इसमें भी काफ़ी पिक्चर अच्छे आते हैं, तो इसमें भी कनेक्शन चाहिए, टीवी में भी चाहिए। और ये रहा मेरा मेन इक्विपमेंट, ये है पुराना मेरा वाईफाई राउटर। इसमें आप देख सकते हैं कि बिना वैन के कनेक्ट किए हुए सिर्फ मतलब ये पूरा सिस्टम को एज ए स्विच और एक्सेस पॉइंट के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मेन राउटर जो है ग्राउंड फ्लोर पे, वही इसका सारा काम कर रहा है। तो ये समझिए एक तौर का स्टूडेंट है, वो मास्टर है। तो आप देख सकते हैं ये मेन काला वाला नीचे से आ रहा है, और ये दो कनेक्ट किया हुआ है टीवी से, और आप देख सकते हैं पीला वाला केबल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इससे फ़ायदा होता है कि बहुत स्टेबल और भरोसेमंद इंटरनेट मिलता है। और चूंकि अगर आपके पास अगर कोई जियो फाइबर दे रहा है, अच्छा चांस है कि आपके पास ये पुराना पड़ा होगा। अगर ईथरनेट तार का व्यवस्था कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा आपका इक्विपमेंट देगा, और इससे मुझे सेकेंड फ्लोर पर अच्छा कवरेज मिल जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ये इक्विपमेंट पुराना है, तो ये 100 मेगाबिट्स का है, तो इसका साइड इफेक्ट होता है कि मुझे सिर्फ 90-99 मिल सकता है। 250 एमबीपीएस का कनेक्शन होने के बावजूद भी ये मुझे 250 नहीं दे सकता। मैं ग्राउंड फ्लोर पे 250 पा सकता हूँ, लेकिन अपर फ्लोर पे सिर्फ 90 तक रहूँगा। लेकिन 90 मतलब सब चीज़ के लिए है, वो इतना ज़्यादा है कि ये 4K चलाए, ये 4K चलाए, मेरा मोबाइल 4K चलाए, तब भी बचा रहेगा स्पीड, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। और चूँकि अगर ये नहीं रहता तो सेकेंड फ्लोर में सिग्नल ही नहीं आता है ठीक से, तो उसके कंपेयर में ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा हो, ताकि आप लोग अपने घर में भी सेटअप कर सकें और पुराने इक्विपमेंट को फेंकने के जगह पे इसका इस्तेमाल कर लें। ये वीडियो देखने के लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। धन्यवाद।